काल ने मुझे अभी अभी फोन करके बोला है कि उनके घर पे कोई नहीं होगा। चलो एक बार जाके देख लेती हूँ मैं, और इनके घर पे कोई हुआ तो। अरे ये तो कीको है। अरे साले कीको को पकड़ो, पकड़ो, खेल खत्म। चलो तो गाइस, कीको का तो गेम खत्म हो गया। अब मैं ऐसा करती हूँ, चारों तरफ बॉम्ब लगा देती हूँ और पूरे घर के अंदर आग लगा देती हूँ। एक बार देख लूँ फिर से कोई है तो नहीं ना। चलो कोई नहीं होगा। एक बार आग भी लग रही है ना इसके। लग गई, बहुत बढ़िया, आग लग गई पूरे शहर के अंदर, पूरे घर के अंदर। चलो अब मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे काल ने बोला था पूरे घर को आग लगा देना, बॉम्ब लगा देना, तो मैंने लगा दिया है। अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। गुड मॉर्निंग लिटिल सिंघम भैया, गुड मॉर्निंग। अरे दोस्तों, लिटिल सिंघम भैया को क्या हो गया? ये लोग भैया ऐसे क्यों पड़े? अरे कीको कुछ तो बताओ, ये लिटिल सिंघम भैया ऐसे को क्या हो गया? अरे अरे शिनचैन शिनचैन, पता नहीं क्या हो गया, लिटिल सिंघम भैया बेहोश हो रखे हैं। अरे तो जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। चलो रुको, मैं ही करके आता हूँ। रुको जल्दी से, लिटिल सिंघम भैया जो के दो दोस्त है ना, उनको फोन कर देता हूँ। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल जल्दी से लिटिल सिंघम भैया के घर पे आ जाओ, लिटिल सिंघम भैया बेहोश हो रखे हैं। अरे गाइस यार, लिटिल सिंघम भैया के साथ में मुझे नहाने जाना था आज तो यार, मस्त पूल के अंदर नहाते ठंडे ठंडे पानी में, क्योंकि गाइस कल ही हमारा पूल के अंदर पानी भरा है। अभी तक तो गंदा पानी था ना, आज हमने इसके अंदर साफ पानी भरा है। लिटिल सिंघम भैया जगो ना, जल्दी जगो, मुझे आपके साथ में नहाना है। अरे शिनचैन शिनचैन, तेरे को बताया ना लिटिल सिंघम भैया नहीं जग सकते, पता नहीं क्यों ये बेहोश हो रखे हैं। तू ऐसा कर, तू अकेला जा और नहा ले। एंड गाइस, किसी को भी नहीं पता कि ग्रैनी का प्लान के बारे में। चलो देखते हैं ये आखिर कैसे बचेंगे ग्रैनी के प्लान से। तो यार इस बार मैंने सोच लिया है, शिनचैन को नहीं छोड़ के जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड देखो शिनचैन के लिए मैं ये बाइक भी लेके जा रहा हूँ, बाइसिकल। आ जाओ आ जाओ, सभी कलरफुल लिटिल सिंघम आ जाओ आ जाओ। तो गाइस शिनचैन के घर आ चुका है, एंड अब हम फिर से शिनचैन की टीम के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसके लिए आज हम पार्टी करेंगे, एंड हो सकता है कि ग्रैनी को भी बुला ले, अगर ग्रैनी कोई पंगे ना करे तो। मगर ग्रैनी की फितरत है गाइस, मतलब उसके तो खून के अंदर दौड़ता है गन्ने का जूस, उसमें तो यही लिखा होता है कि भैया चोरी डकैती और किडनैपिंग ये सब तो उसको करनी होती है। अब क्या करें आप ही बताओ, उसको बुलाना चाहिए या नहीं ये तो मुझे नहीं पता अभी। कलरफुल ग्रैनी और काल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, दोनों के दोनों लिटिल सिंघम और शिनचैन को किडनैप कर लिया। तो गाइस कल आपको पता है, लिटिल सिंघम को किडनैप करने के लिए काल तपस्या करके राक्षस को लेके आया था। उस राक्षस की थोड़ी शक्तियों से हमने दो लिटिल सिंघम और एक शिनचैन को किडनैप कर लिया। अले अले ग्रैनी ग्रैनी, मेरे को छोड़ दे, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मेरे को छोड़ दे, मेरे को माफ कर ग्रैनी, मेरे को छोड़ दे। शिनचैन तू चाहे अब गिर के कितना ही मेरे से हाथ जोड़ के भी माफी मांग लेगा ना, तो भी मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाली। तुम लोगों ने हमारा बहुत नुकसान किया है। काल सुनो, तुम जाओ और राक्षसों को बुला के लेके आओ, ताकि उनकी मदद से हम लिटिल सिंघम को आजाद करके मार सकें। बहुत बढ़िया, ऐसा ही प्लान बनाना चाहिए। चलो तो गाइस मैं भी जल्दी से जाती हूँ हमारे पुराने वाली हवेली पे, क्योंकि अब दो लिटिल सिंघम और शिनचैन को किडनैप कर लिया है, इसका मतलब कि चोरी करना अब आसान हो चुका है। अरे वाह लिटिल सिंघम भैया, क्या बात है, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, इतने सारे लिटिल सिंघम आज एक साथ मेरे घर पे आए हैं। रुको रुको, मैं कीको को बुलाता हूँ। ए हेलो, ए हेलो कीको, अरे सुन जल्दी आ, काफी सारे लिटिल सिंघम अपने घर पे आए हैं। और हाँ, उस बाबू गुड़गोबर के यहाँ से ना काफी सारी मिठाइयाँ भी लेके आना, ठीक है? यार इतने सारे लिटिल सिंघम अपने घर पे आए हैं, ठीक है जल्दी लेके आ। अरे हाँ हाँ शिनचैन, ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ उस बाबा गुड़गोबर के यहाँ से। तो गाइस मिठाई में क्या लेके चले, काजू कतली लेके चले या फिर मिश्री मावा लेके चले? यार मुझे लगता है काजू कतली बेस्ट होगी। तो ये आ चुके हैं बाबा गुड़गोबर के यहाँ पे, और हाँ आज मुझे 10 किलो मिठाई चाहिए भाई, आज पूरे शहर में मिठाई बंटवाएंगे। चलो चलो जल्दी। काल, अरे डरावने राक्षसों की सेना तैयार हो गई क्या? आज अपन को जाना है ना शिनचैन के घर पे अटैक करने के लिए। अरे काल नकचड़े काल, कहाँ पे है? अरे गाइस काल ये रहा। ओहो गाइस, इसने तो डरावने राक्षसों की सेना तैयार कर ली है। और देखो भाई यहाँ पे, मेरे को तो यहाँ पे भाई बिना दिमाग के, अरे इनके तो आंखें भी नहीं है। काल तूने तो बहुत ही शानदार काम किया है, इनकी आंखें भी नहीं है इनमें। ग्रैनी ग्रैनी, पूल को जहर बनाने के लिए सारा सामान तो ले लिया है ना,
गाइस रुक जाओ, मैं एक बार कॉल ग्रैनी को फोन कर देता हूँ, क्योंकि यार ग्रैनी अगर वहां जाके भूल गई सारा सामान तो वो पूल को जहरीला नहीं बना पाएगी और शिनचैन नहीं ना पाएगा, शिनचैन किडनैप नहीं हो पाएगा और हमारा फिफ्थ प्लान फेल हो जाएगा। इस प्लान को कैसे भी करके हमें कंप्लीट करना होगा। हेलो हेलो ग्रैनी, अरे हाँ तूने जहर का सामान ले लिया है ना? अरे हाँ हाँ काल, जहर का सारा सामान ले लिया है और ऊपर से मैंने जहर को जलाने के लिए भी सारा सामान ले लिया है। चिंता मत करो, मैं उस पानी को जहरीला कर दूंगी, चिंता मत करो। और शिनचैन जैसे ही नहाएगा वो डूब के मर जाएगा, यही तो मैं चाहती हूँ। हाँ हाँ ग्रैनी, तुमने एकदम सही किया, अब चलो जाओ जल्दी से, नहाने का टाइम हो गया है। अगर उसने पहले ही नहा के निकल लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अली हाँ हाँ कार, ठीक है मैं जाती हूँ, जल्दी से जाती हूँ। चलो तो गाइस अब अपन जल्दी से चलते हैं। एंड यार जहर बनाना है उस पानी को उतने बड़े सारे पूल को, तो मुझे संभल करके चलना होगा। यहाँ पे लिटिल सिंगम है तो रुको मैं नीचे जाती हूँ, छुप करके आराम से। ऑल राइट, संभल करके, मुझे वो लोग देखे ना इस वजह से मुझे उसकी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखो जहरीला बनाने के लिए मुझे उसके अंदर 2-3 बोतलें डालनी पड़ेगी, मगर बोतलें डालने से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा ताकि सभी के सभी लिटिल सिंगम यहाँ से दूर चले जाए। इनको मारना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अकेला, क्योंकि यार देखो यहाँ पे 1-2-3-4-5-6-7 लिटिल सिंगम है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि वहाँ पे जाके कुछ काला धुआं कर देती हूँ। ये देखो ऐसे, ठीक है ये ऐसे इनके घर में काला धुआं हो जाएगा। ये देखो लाल धुआं, ओ भाई ये तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। बढ़िया बढ़िया, ले भैया आप तो मजे ही मजे करो। हे बैंक वालों, जल्दी से हमें सारे के सारे पैसे दे दो। अरे आज लगता है बैंक की छुट्टी दिखती है। आ जाओ ब्लू ग्रैनी, सीधा पैसा लूट के आते हैं, आ जाओ नीचे। सारे के सारे ताले खुले हैं भाई, ये चाहते क्या है? चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ ब्लू ग्रैनी। ओहो यहाँ के भी सारे ताले खुले हैं। अरे वाह क्या बात है, अब तो मचे ही मचे। गाइस मैंने बहुत चालाकी से सोच के रखा था कि बैंक को खाली करवा देता हूँ, जैसे ही ग्रैनी आएगी ग्रैनी अंदर जाएगी और सीधा अंदर चले जाएगी, और अंदर चले जाएगी तो मैं यहाँ पे ताला लगा देता हूँ। अरे अब ग्रैनी अंदर पैक हो जाएगी। तो रुको सबसे पहले मैं ताला इधर लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने इनको डराने की कोशिश नहीं करी है, ना शिनचैन को बताया ना कीको को बताया, मगर कल जब मैं काल के साथ में था तो आपको पता है काल के साथ क्या प्लानिंग कर रहे थे, हम शिनचैन के घर को उड़ाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उसके लिए पक्का काल ने कोई ना कोई बॉम्ब लगा दिए होंगे, तो मैं जरा एक बार देखे आता हूँ कि आखिर कहाँ कहाँ पे इसने बॉम्ब लगाए हैं। कोशिश करता हूँ कि उन्हें बिना बताए मैं डिफ्यूज़ कर दूँ। तो यार देखो यहाँ पे तो कोई बॉम्ब नहीं दिख रहा है मुझे, ऐसा करता हूँ आगे देख के आता हूँ। ए सुनो काल, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने आया हूँ, लिटिल सिंगम के साथ में मैंने लड़ाई कर ली है, शिनचैन का घर छोड़ के आ गया हूँ मैं। अरे क्या बात कर रहा है ब्लैक लिटिल सिंगम, सही में तुम लिटिल सिंगम का और शिनचैन का घर छोड़ के आ गए हो? अरे वाह वाह क्या बात है, तो सुनो तुम मेरी टीम में आ जाओ, हम दोनों मिलकर के शिनचैन और लिटिल सिंगम को तबाह कर देंगे। अरे हाँ हाँ यही तो करना चाहता हूँ मैं, बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? इसका तो काम तमाम कर दिया मैंने, इसको बोल दिया है, अब मैं जल्दी से जाता हूँ लिटिल सिंगम के साथ में मिलता हूँ और बॉम्ब इनको इन खतरनाक राक्षसों को और पैदा करने की प्लानिंग करता हूँ। हे लिटिल सिंगम, अबे इसको कौन मार गया? अबे भाई साहब, अरे हमारे किसी राक्षस ने इसको मार दिया यार। गाइस ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि ब्लैक लिटिल सिंगम अब हमारी टीम में ही है, लगता है किसी ना किसी राक्षस ने इसको देख लिया जो मैंने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे खड़े कर रखे थे, और उन लोगों ने इसको मार दिया दिखता है। अरे यार मुझे बता के यार रखना चाहिए था यार, शिट। अब कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, मर गया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते अपन, अभी यहाँ पे छुप। लिटिल सिंगम भैया प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुला के ब्लैक लिटिल सिंगम भैया को ठीक करो ना, मुझे इनके साथ में नहाना था। ब्लैक लिटिल सिंगम भैया उठो, ब्लैक लिटिल सिंगम भैया मुझे आपके साथ में नहाना है। अरे शिनचैन तू बोले तो हम तेरे साथ नहा ले क्या? बता, तेरे साथ नहाने में तो हमें बड़ा ही मजा आएगा, आज तो हम पहली बार बच्चों की तरह नहाएंगे, बोल मेरे साथ नहाएगा क्या? अरे हाँ 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 तो चलो ना, अब मैं आपके साथ नहा लूंगा। अरे वाह इसी के अंदर तो नहाना है ना मुझे, बड़ा ही मजा आएगा, ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे। आ जाओ लिटिल सिंगम भैया नहाते। देखो काल, देखो लिटिल सिंगम का दोस्त शिनचैन आ चुका है, ये वही है ना
जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अभी देखो इसको पूल के अंदर जाएगा और नहाते के बाद खेल खत्म। पता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ तभी तो मेरे पास टेलीपोर्टेशन पावर आई है। चलो तो गाइस अब मैं जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे जाना है एक इम्पोर्टेंट काम के लिए और वो इम्पोर्टेंट काम है टेलीपोर्टेशन पावर वापस दे के आना क्योंकि गाइस वो मेरे गुरुजी की थी बाबा श्री मूर्तिलाल उनकी है और मूर्तिलाल को जल्दी से मुझे पावर देनी पड़ेगी। एक शॉर्टकट तरीका मिल गया, मुझे जल्दी से गाड़ी मिल गई एंड इस गाड़ी को भगाते हैं फुल स्पीड से। लेट्स गो गाइस। अरे ये क्या हो गया, कांड हो गया। जल्दी से कोई बात नहीं, निकलना पड़ेगा और ये टेलीपोर्टेशन पावर देके आनी पड़ेगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आज हमने लिटिल सिंघम भैया को जेल से बचाया। बाय बाय।